गाइस कहते हैं कि गुरुद्वारे साहब कभी भी भूखा नहीं लौट सकते, और ये बात मैंने देखी जब मैं आज दिल्ली के इस गुरुद्वारे में गया तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो है बहुत बड़ी भीड़ लंगर हॉल में लंगर कर रही है, यानी कि खाना खा रही है, और इनके लिए जो है तवे वाली रोटियाँ बनाई जानी थी और बहुत सारी लेडीज जो है वहाँ पर लंगर के लिए रोटियाँ बना रही थी। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर रोटियों के लिए आटे का पेस्ट बनाया जा रहा है और इस बड़ी सी मशीन के अंदर आटे को डाल दिया गया है और हमारा पेस्ट जो है धीरे धीरे बनना शुरू हो गया है। तो भी आटे का पेस्ट जो है लगभग बनकर तैयार हो चुका है और अब इसको निकाला जा रहा है इन टब्स के अंदर। इस मशीन से टब्स के अंदर आटे के पेस्ट को निकाल दिया जा रहा है और अब इस आटे को ले जाया जाएगा जहां पर कि रोटियां बनाई जा रही हैं। अब आटे को यहां पर लाया गया और यहां पर देखिए बहुत सारी जो लेडीज हैं वो यहां पर रोटियां बना रही हैं, ये आप देख सकते हो बहुत सारी लेडीज हैं जो कि सेवा कर रही हैं लंगर का खाने के लिए और यहाँ पर जो है वो अपने हाथों से रोटियाँ बना रही हैं। सच बताऊँ तो गाइज मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में एक साथ इतनी सारी औरतों को, इतनी सारी लेडीज़ को खाना बनाते हुए नहीं देखा था जितनी कि यहाँ पर इस गुरुद्वारे के अंदर लेडीज़ खाना बना रही हैं। और इन रोटियों की सिकाई दूसरी तरफ हो रही है, यहाँ से रोटियाँ कच्ची बन करके जाती हैं इस तरफ जहाँ पर कि इन रोटियों की सिकाई हो रही है। ये एक बहुत बड़ा तवा टाइप का बना हुआ है, यानी कि लोहे की चादर का एक तवा सा बना हुआ है और इसके ऊपर जो है सारी रोटियाँ डाल दी जा रही हैं और यहाँ पर जो है इन रोटियों की सिकाई हो रही है, ये आप देख सकते हो। इस तरह से वहाँ से रोटियाँ बन करके इधर आती हैं और यहाँ पर जो है इन रोटियों को इनको इसके ऊपर डाल दिया जाता है जो तवा सा बना हुआ है यहाँ पर बहुत बड़ा, और इसके नीचे जो है आग जल रही है। तो सारी की सारी रोटियां यहां पर डाल दी जाएंगी। तो एक लेडीज यहां पर इसके ऊपर रोटियां डाल रही है और दूसरा यहां पर देखेंगे तो सर जो है इन रोटियों को पलट रहे हैं और धीरे धीरे जो ये रोटी सिक करके तैयार होती जा रही हैं और इधर टब में इनको डाल दिया जा रहा है। तो सारी रोटियों की सिकाई करके यहाँ पर रख दी जा रही हैं और यहाँ पर जो है रोटियों पर बटर लगाया जा रहा है। यहाँ पर जो बाबा जी हैं वो सारी की सारी रोटियों पर यहाँ पर बटर लगा रहे हैं और इनको डाल दे रहे हैं यहाँ पर टब के अंदर। और अब उस टब से रोटियाँ यहाँ पर लाई जाएंगी जहाँ पर लंगर हॉल के पास में बड़ा सा भगोना रखा है, इस भगोने के अंदर वहाँ से रोटियाँ ला करके डाल दी जाएंगी और फिर यहाँ से जो रोटियाँ जाती हैं वो जाती है लंगर हॉल के अंदर जहाँ पर कि ये एक बहुत बड़ी भीड़ जो है यहाँ पर लंगर कर रही है, ये आप देख सकते हो। तो दिल्ली के इस गुरुद्वारे के अंदर जो है रोज़ाना तकरीबन 10,000 लोग जो है लंगर करते हैं, तो ये जो है बहुत बड़ा यहाँ पर लंगर हॉल बना हुआ है। तो वाकई में गुरुद्वारे से जो है कभी भी कोई भी शख्स भूखा नहीं आता और ना ही आ सकता है।